हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है, स्वागत है आप सभी का स्टडी बिट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को क्लास टेंथ मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 में जो भी बच्चे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले उसके लिए मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं सोशल साइंस का। तो चैप्टर वाइज हम लोग कर लिए थे, इसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चैप्टर तक कर लिए थे। आज हम लोग फोर्थ चैप्टर करने वाले हैं, भारत में राष्ट्रवाद, जो कि आप लोग का चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, और ये चौथा चैप्टर है सोशल साइंस का, यानी हिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर में सभी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो हम लोग पहले हिस्ट्री का करेंगे, उसके बाद वन बाय वन करके सारे चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी बिट को, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, और इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट का, www.studybitin। तो यहाँ से आप लोग गूगल पे सर्च करके और बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो का चौथा चैप्टर का, भारत में राष्ट्रवाद का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, यानी कितना ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था, 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, या 1919 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नंबर कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन में, या नवंबर 1920 फैजपुर, या दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ये सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में किसका होता, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री नंबर कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, तो ये किसका है, पूर्ण स्वराज का मांग पूछ रहा है। तो ये क्या है, 1929 ईस्वी लाहौर में, 1931 ईस्वी कराची में, 1933 ईस्वी कलकत्ता में, या 1937 ईस्वी बेलगांव में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये 1929 ईस्वी लाहौर में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर नंबर कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, यानी बरदौली के द्वारा, अहमदाबाद, खेरा, या चंपारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बरदौली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी, यानी कितना ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना किया गया था, तो ये 1925 ईस्वी में किया गया था, किसके द्वारा, के वी हेडवागेर के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, और कभी कहीं कहीं पे ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पे हुआ था, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में बैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखें कि कहाँ पर आया था, और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन नंबर, सिखों के दसवें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, यानी मुंगेर में, खगड़िया में, पटना में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट नंबर, टीपू सुल्तान शासक थे, यानी टीपू सुल्तान जो कहाँ के शासक थे, मैसूर का, शिमला का, कश्मीर का, या इनमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो शुरू किया गया था वो कितने ईस्वी में किया गया था, 1930 ईस्वी में किया गया था, और कहाँ से किया गया था, दांडी से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन नंबर, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी, तो गांधी जी के द्वारा साबरमती का आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलेवन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेल्व नंबर, हिंदुस्तान रिव्यू प्रकाशन किसने आरंभ किया था, यानी हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन हुआ था वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, कि रामकृष्ण वर्मा के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा, मजहम रुल हक के द्वारा, या सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रामकृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
13 नंबर, ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, 21 वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले दंडित करने के लिए पारित किया गया था। देखिए 1906 ईस्वी में उन्नीस सौ दस ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था, यानी वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस जो था कितना ईस्वी पारित किया गया था, 1870 में, 1872 में, 1878 में, 1886 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी, यानी गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी में, चंद्रशेखर आज़ाद 1920 ईस्वी में, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी या सोहन सिंह भाकना 1918 ईस्वी में। तो गदर पार्टी की जो स्थापना की गई थी वह कितने ईस्वी में किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लाला हरदयाल सिंह 1913 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो लखनऊ समझौता कितना 1916 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था, यानी कितना ईस्वी में हुआ था और किस शासक के द्वारा पूछा गया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का, देखिए क्या है 1920 तुर्की, 1920 अरब के द्वारा, 1920 फ्रांस के द्वारा, 1920 जर्मनी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए 1920 तुर्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, हंटर समिति का, डायर समिति का, मॉन्टिंगी समिति का या चेम्सफोर्ड समिति का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हंटर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, खिलाफत समिति का गठन किसने किया था, यानी किसके द्वारा खिलाफत समिति का गठन हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी अली बंधुआ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, चोरी चोरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था, यानी खिलाफत आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का या भारत छोड़ो आंदोलन का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा बी असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया था, वापस ले लिया था महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू या चित्तरंजन दास, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का डी चित्तरंजन दास क्या थे, स्वराज दल के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, यानी कितना ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, तो ये 1928 ईस्वी में भारत आया था, तो इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून जो भंग किया गया था वह 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, 1932 ईस्वी में पुनः समझौता किनके बीच हुआ था, यानी गांधी जी और अंबेडकर के बीच, गांधी जी जिन्ना में और या गांधी जी और इरविन में या गांधी जी मैकडोनाल्ड के साथ, तो ये पुनः समझौता पूछ रहा है कि गांधी जी को किसके किसके साथ पुनः समझौता हुआ था, तो ये अंबेडकर के साथ हुआ था, यानी गांधी जी और अंबेडकर मिलकर के दोनों पुनः समझौता किया था 1932 ईस्वी में, तो ईस्वी भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कितना ईस्वी में किया गया था, ये सोनपुर में 1929 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था, कितना ईस्वी में इल्बर्ट बिल पारित किया गया था, तो ये 1883 ईस्वी में किया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था, कलकत्ता एक्ट कॉरपोरेशन जो था वो 1849 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, प्रथम ICS थे, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरे जी या इनमें से कोई नहीं, तो प्रथम जो ICS थे वो कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का ए
सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध कितना ईस्वी में आरंभ किया गया था? तो ये 1914 ईस्वी में आरंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा और मोस्ट वीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में से किसने आंदोलन किया था? यानी 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ किसके द्वारा आंदोलन किया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या उपर्युक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी साथ दिया था, राजा राम मोहन राय ने भी और दयानंद सरस्वती ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, मॉन्टियोगो चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ था? यानी कितना ईस्वी में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का, ये 1919 ईस्वी में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, 32 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 33 से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है तो एक वीडियो में कवर करना फिर आप लोग को पढ़ने में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ओके। और जो भी बच्चे नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।